मधु कोड़ा, मधु कोड़ा को पिछले दिनों चॉइस मिली कि वो या तो अस्पताल में रह सकते हैं या जेल जा सकते हैं। उन्होंने पूछा क्या तीसरी चॉइस अवेलेबल नहीं है, सीएम की कुर्सी। बेंगलोर के पास एक गांव के गडरिये ने अपनी बकरी का नाम ऐश्वर्या राय रखा है। ये सुनकर अमिताभ बच्चन ने कहा भाई लो हो गया अपशगुन, अब एक और मंदिर में जाकर पूजा करनी पड़ेगी भाई। दिलीप वेंगसरकर का कहना है मैं सचिन तेंदुलकर की ह्यूमिलिटी को एडमायर करता हूं। और मैं वेंगसरकर, गावस्कर, तेंदुलकर इन तीनों को एडमायर करता हूं। पर एक मिनट, एक दूसरे की प्रशंसा ही करते रहते हैं यार ये। ओ भाई मैं भी तुम्हारी प्रशंसा करता हूं, कभी मेरी भी प्रशंसा किया करो। लगे हुए एक दूसरे में कर कर कर। हाँ सोचता हूं मैं भी सुमित राघवन से राघवन कर बन जाऊं, फिर कर मेरी भी प्रशंसा। ये याद रखूंगा मैं। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के बाद अब चाइना मांग रहा है हरियाणा। और उनका कहना है हरियाणा उनका है बिकॉज उनके प्रेसिडेंट का नाम है हुजिन ताऊ। ये सुन हरियाणा का एक रियल ताऊ वो बोला यहां का सेक्स रेशियो खराब है, मेरे गांव के कई छोरे छोरी लेने चाइना चले जाते हैं, चलो अच्छा है कोई तो चाइना की ले रहा है। आरएसएस चीफ भागवत का कहना है कि बीजेपी इज अ डिवाइडेड हाउस। कुछ देर बाद उन्हें अपनी मिस्टेक का पता चला, वो कहना चाहते थे डिवाइडेड आर्कियोलॉजिकल साइट। पिछले दिनों हमारी लोकसभा शुगर केन प्राइसेस को लेकर अड़चन हुई, यही है हमारे नेताओं के साथ। आप उन्हें मीठी से मीठी चीज दीजिए, वो तुरंत उसे कड़वा कर रहे हैं। I think they have a phobia of good things, which brings me to our brand new segment, Celebrity Phobia. अब तक आपने जय हिंद में दुनिया भर की गालियां और उनके मतलब जाने, but we want you to have universal experience. By saying this, we don't deny the fact that गालियां is universal. मतलब गालियां ही हैं जो सारी दुनिया को समेट कर रखती हैं. But there are still more universal truths which are more scientific in nature. हम लाए हैं ना जय हिंद मेडिकल डिक्शनरी, और आज हम जानकारी देंगे लोगों के अजीब गरीब डर मतलब फोबियाज के बारे में। हाँ जी, ये देखिए अर्गोफोबिया मीनिंग फियर ऑफ वर्क। जिस बंदे को काम करने से डर लगता है वो अर्गोफोबिया से परेशान है। फॉर एग्जाम्पल शशि थरूर, क्योंकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि सरकार उनसे कितना काम करवाती है, ट्विटर पर अपडेट करने को भी वक्त नहीं मिलता, दिन में सिर्फ 100 ट्विटर अपडेट्स कर पाता हूं मैं। सेकेंड जीनोफोबिया मीनिंग फियर ऑफ सेक्स, जिसे सेक्स करने से डर लगता है वो जीनोफोबिया से पीड़ित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल करण जौहर, हाँ उन्हें सेक्स करने से डर लगता है, जब भी सेक्स करते हैं SRK का चेहरा सामने आ जाता है। किस करने जाते हैं तो कुर्बान के सैफीना का चेहरा सामने आ जाता है। ऑफ कोर्स कांट ब्लेम हिम, कुर्बान ऐसी फिल्म है जिसे बनाने के बाद बेचारे करण जौहर खुद हलाल हो गए हैं। स्पिरिट ऑफ बकरीद आई गेस। ओके थर्ड हाइलोफोबिया मीनिंग फियर ऑफ फॉरेस्ट, जिसे जंगल से डर लगता है वो हाइलोफोबिया के शिकार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल UTV के ओनर रॉनी स्क्रूवाला, अज्ञात फिल्म के प्रोड्यूसर। जी हाँ अज्ञात, श्रीलंका के जंगल में शूट हुई थी, लेकिन फिल्म में जितने एक्टर्स थे उतनी ऑडियंस भी फिल्म को नसीब नहीं हुई, इसीलिए अब जंगल के नाम से वो डरते हैं।
हाँ जी, नंबर फोर देखिए, मोनोफोबिया, फियर ऑफ सॉलिट्यूड और बीइंग अलोन, जिन्हें अकेले रहने से डर लगता है। एग्जाम्पल ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन, दोनों को अकेले रहने से डर लगता है, इसीलिए हमेशा पाको साथ में लेकर घूमते हैं। न्यूमरोफोबिया, फियर ऑफ नंबर्स, जिन्हें नंबर से डर लगता है वो लोग न्यूमरोफोबिया से पीड़ित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोनी टीवी के ओनर न्यूमरोफोबिया से पीड़ित है, क्योंकि आजकल नंबर्स के नाम पर सोनी के शोज के टीआरपी नंबर्स इतने लो होते हैं कि जरा भी ज्यादा टीआरपी आ जाए तो सोनी वाले डर जाते हैं, एंड दे मेक श्योर दैट द नेक्स्ट एपिसोड में टीआरपी वापस कम हो जाए। आगे है प्लूटोफोबिया, मीनिंग फियर ऑफ वेल्थ, वो लोग जिन्हें पैसे से डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया इतने सालों से उड़ रही है, पैसे से इतना डरते हैं कि आज तक प्रॉफिट नहीं कमाए, आसमान में उड़ते उड़ते कर्ज में डुबोने का मजा ही कुछ और है भैया। आगे है विनिस्ट्राफोबिया, फियर ऑफ ब्यूटीफुल वुमन, अच्छा वो लोग जिन्हें सुंदर लड़कियों से डर लगता है, मिसाल के तौर पर एकता कपूर, उनकी शो के हीरोइन को देखकर अरे आप अंदाजा लगा सकते हैं ना। अच्छा, और एक आगे है ब्रेकोफोबिया, फियर ऑफ टेकिंग ब्रेक्स, इससे मैं पीड़ित हूं, ब्रेक में जाते ही याद आता है एड्स तो है नहीं, फिर आज मुझे फ्री में शो करना पड़ेगा, ओह नो इट्स टाइम फॉर अनदर ब्रेक।